दोस्तों तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आया है, जिससे तुर्की और सीरिया में जान माल का काफी नुकसान हो गया। करीब 6000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान चली गई, 5500 से ज्यादा इमारतें टूट गई है, 15000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तुर्की और सीरिया में चारों तरफ मातम पसरा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई कि मलबे में इतने लोग दबे हैं, इनको निकालना आसान काम नहीं है। इसी को देखते हुए दुनिया के 45 मुल्कों ने तुर्की की मदद का ऐलान किया। भारत ने भी 2 NDRF की टीम तुर्की भेज दी है, वहीं जरूरत का कुछ सामान और एक मिलिट्री की टीम भी भेजी। अमेरिका ने भी अपनी टीमें तुर्की भेज दी है, राहत बचाव का काम जारी है। ये जलजला सुबह करीब 4 बजे आया, जब सभी लोग सो रहे थे, किसी को बाहर निकलने का मौका ना मिल सका। खुदा तुर्की और सीरिया के मुसलमानों की मदद करे। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।